हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिकेट प्रिडिक्शन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के मैच के बारे में, जो कि 8:10 से हैरप पार्क स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। दोस्तों ये मैच सिडनी सिक्सर बोमेन और मेलबर्न स्टार बोमेन के बीच खेला जाएगा, जो कि बोमेन बिग बैश लीग 2022 का 6th मुकाबला है। इसी पिच पर बिग बैश लीग का 3rd मुकाबला सिडनी सिक्सर विन करके आ रही है। वहीं अगर मेलबर्न स्टार बोमेन की बात करें तो ये पिछला मुकाबला ब्रिस्बेन हीट से इसी पिच पर हार गई थी। अगर बात करें वोमेन बिग बैश लीग 2022 के पॉइंट्स टेबल की, तो सिडनी सिक्सर वोमेन 4 अंकों के साथ पहले पायदान पर है और वहीं मेलबर्न स्टार वोमेन 2 अंकों के साथ तीसरे पायदान पे है। जहां बात करें इन दो टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की जो अभी तक खेला गया है, तो उसमें टोटल 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 7 बार मेलबर्न स्टार जीत हासिल की है और 6 बार सिडनी सिक्सर वोमेन। वहीं अगर बात करें लास्ट के रिसेंट 10 मैचों की, तो जिसमें सिडनी सिक्सर वोमेन ने 6 जीते हैं। यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड है वो सिडनी सिक्सर वोमेन के हित में जा रही है। और सिडनी सिक्सर वोमेन के हित में जाने का एक और भी कारण है, क्योंकि इनके जो प्लेयर है वो अभी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अगर पिछले कुछ मैचों से पिच का अंदाजा लगाएं, तो पिछले 3 मैच खेले गए हैं जिसमें से एवरेज स्कोर जो है वो 150 का रहा है। वहीं अगर बात करें सिडनी सिक्सर वोमेन के पॉसिबल 11 की, तो इसमें आपको एलिसा हेली और सुजी बेट्स आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। एलिसा हेली अपने पहले मुकाबले में डक पे आउट हो गई थी और दूसरे मुकाबलों में इन्होंने 2 रन किए थे, उनमें भी आउट हो गए थे। हालांकि मैंने यहां पे आपको सजेस्ट किया था कि इनको आप रख के चल सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थी। पर इस मैच में आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन इनका फॉर्म अभी खराब चल रहा है। पर अगर ये फॉर्म में वापस आते हैं तो ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो हम इस बार भी इनको अपनी टीम में रखेंगे। वहीं बात करें अगर इनके दूसरे जोड़ी सुजी बेट्स की, तो ये पहले मुकाबले में 4 रन इन्होंने किए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और टोटल 82 रन जड़े थे। तीसरे नंबर पे आपको एलिसा पेरी दिखेंगे। एलिसा पेरी इस टीम की कैप्टन है और आपने इनका जो मैच है वो मैच का रिकॉर्ड देखा ही है। पहले मुकाबले में इन्होंने 55 रन किए और 2 विकेट भी लिए थे, और वहीं दूसरे मुकाबले जो कल खेला गया था उसमें इन्होंने 58 रन बनाए। फिर चौथे नंबर पर आपको एशियन गार्डन दिखेंगे। एशियन गार्डन पहले मैच में 2 रन किए थे, उसके बाद आउट हो गए थे, लेकिन विकेट कोई उनके हाथ हासिल नहीं हुई थी। वहीं दूसरे मुकाबले में इन्होंने 6 रन भी किए थे और एक ही गेंद खेले थे जिसमें से इन्होंने छक्का जड़ा था और 1 विकेट भी लिए थे। फिर आपको दिखेंगे एरिन बर्न्स, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और 1 अर्धशतक जड़ा था, पर दूसरे मैच में इन्हें मौका नहीं मिल पाया। अगर इन्हें मौका मिलता है, अगर हो सकता है सिडनी सिक्सर वोमेन की विकेट जल्दी गिर जाती है, तो इनको मौका मिलेगा तो ये अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप टॉप ऑर्डर के कोई बल्लेबाज को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं, और उनके जहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा एरिन बर्न्स को। फिर अगर ऑलराउंडिंग सेक्शन की बात करें, तो सोफी इलिस्टोन पिछले मैच में 4 विकेट लिया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब पहले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिए थे और 10 रन भी किए थे, तो ये एक अच्छी ऑलराउंडर साबित हो सकती हैं। फिर उसके बाद निकोला बॉल्टन भी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। पिछले मैच में इन्होंने 1 विकेट लिए थे, लेकिन इनको मौका मिला था नहीं बल्लेबाजी के लिए। वहीं अगर बात करें फिर मेल्टन ब्राउन की, तो मेल्टन ब्राउन एक अच्छी गेंदबाज तेज गेंदबाज है, जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में 3 विकेट लिया था और जो कल खेला गया था मुकाबला दूसरा, उसमें 1 विकेट हासिल किए थे, तो ये भी एक अच्छी गेंदबाज है, इनको आप अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। और बाकी अगर बात करें तो उतने कोई खास अच्छे बॉलर है नहीं। फिर वहीं बात करें तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा मैं आपको लॉरेन चेटर को लेने की, क्योंकि इन्होंने दोनों मैच में 1-1 विकेट लिए थे और काफी अच्छे फॉर्म में भी ये गेंदबाजी कर रहे हैं। एंजेलिना जेनफोर्ड ये भी आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन ड्रीम 11 में हम इनको पिक नहीं करने वाले हैं। अगर बात करें ओपन बॉलर की, तो जो ओपनिंग में आपको बॉलर दिखेंगे वो आपको, अगर वही बात करें ओपनिंग बॉलर की, तो आपको पावर प्ले में लॉरेन चिटल और मेल्टन ब्राउन आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और जहां आपको डेथ में मेल्टन ब्राउन और सोफी इलिस्टोन आपको दिखेंगे। तो मेल्टन ब्राउन आपके लिए एक अच्छी पिक होगी, क्योंकि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे और आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अगर वही बात करें मेलबर्न स्टार वोमेन की पॉसिबल 11 की, तो ओपनिंग में आपको लॉरेन विनफील्ड और वेस हिथ देख सकते हैं। वेस हिथ का उतना कोई खास नाम है नहीं, वो अभी ज़्यादा मुकाबले खेले नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने 21 रन बनाए थे।
और वहीं बात करें लॉरेन बेलफिट की, तो इन्होंने पिछले मैच में 74 रन बनाए थे और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे और अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। फिर तीसरे नंबर पर आपको एलिस कैप्सी दिखेंगे, जो कि आपको पता है ये गेंदबाजी भी करते हैं और ये आपको 2 या 3 ओवर निकाल कर भी दे सकते हैं, उनमें से हो सकता है इनको विकेट भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट डाउन यानी कि तीसरे नंबर पर आपको बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे, तो आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टनसी में भी ले जा सकते हैं। फिर वहीं चौथे नंबर पर आपको अनावेल सदरलैंड, ये भी आपको बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करते दिखेंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी इन्होंने गेंदबाजी की थी जिनमें इनको कोई विकेट नहीं मिला था लेकिन अच्छे खासे 45 रन बनाए थे। हालांकि ये गेंदबाजी करते हैं, अगर आप कोई विकेट लेकर देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। फिर अगर ऑलराउंडिंग सेक्शन में बात करें तो किम गार्थ भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिल पाई थी और रन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टीम में इस बार हम लोग प्लेइंग 11 में इनको लेंगे। फिर आपको बॉलिंग सेक्शन में टेस्ट फ्लिंटॉफ दिखेंगे, पिछले मैच में इन्होंने कोई विकेट लिया नहीं था। फिर आपको दिखेंगे निकोला फाल्टुम, जो कि इस टीम की कैप्टन है और इन्होंने पिछले मैच में 3 ही रन किए थे। फिर आपको बॉलिंग सेक्शन में सासा मोलनी एक अच्छी बॉलर है, आप सबको पता होगा अगर आप बिग बैश लीग देखे होंगे तो पिछले मैच में भी इन्होंने एक विकेट लिया था। उसके बाद अगर बात करें तो आपको सोफी रेड दिखेगी, जो कि पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाई थी और इनका कोई खासा अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। फिर अगर बात करें बॉलर में तो आपको रेस मैकेना और सोफी डे आपको दिखेंगे, सोफी डे पिछले मैच में 1 विकेट ली थी। अगर बात करें मेलबर्न स्टार वोमेन की ओपनर बॉलर की, तो आपको किम गार्थ और टेस फ्लिंटॉफ आपको दिखेंगे ओपनिंग बॉलिंग में। अगर बात करें मेलबर्न स्टार वोमेन की ओपनर बॉलर की, तो आपको किम गार्थ और टेस फ्लिंटॉफ पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं बात करें अगर डेथ ओवर की, तो डेथ ओवर में आपको अनावेल सदरलैंड और टेस फ्लिंटॉफ, ये दोनों आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको 100% प्रिडिक्शन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट स्काई ऑनलाइन पर आप जाकर खेल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 टॉप पिक्स ऑफ द मैच की, इसमें कौन कौन से आपके टॉप पिक्स होंगे। तो टॉप पिक्स ऑफ द मैच में विकेट कीपर एलिसा हेली को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 2 मैच में लगातार ये फ्लॉप हो रहे हैं। हो सकता है इस मैच में ये कुछ अच्छा करें, और अच्छा करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि ये एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफी रन बना सकते हैं जिनमें से आपको काफी पॉइंट मिलेगा। और मैं यहाँ एक रिस्क ले रहा हूँ, जो लॉरेन विनफील्ड पिछले मैच में 74 रन की पारी खेली थी, मैं उनको इस बार ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं रखना तो आप लोग इनको टीम में रख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर अगर बैट्समैन की बात करें तो सुजी बेट्स को आप रख सकते हैं, जो कि पिछले मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। फिर आपको एलिसा कैप्सी बैट्समैन में और किम ग्राथ। वहीं अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो आप सुजी बेट्स, एसिन गार्डन और एलिसा कैप्सी को आप ले सकते हैं, जो कि एलिसा कैप्सी आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं और वो विकेट भी निकाल लेते हैं। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में अनावेल सुदरलैंड, किम गार्थ, मेल्टन ब्राउन और एलिसा पेरी, ये चारों आपके टॉपिक्स हैं और इनको आपको लेना ही लेना होगा, क्योंकि ये जो वुमेन बिग बैश लीग का मैच होता है, इनमें जो 22 प्लेयर होते हैं 2 टीमों के मैच में, उनमें से आपको 4 या 5 प्लेयर ही ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा खासा पॉइंट दिलाते हैं, बाकी सारे प्लेयर के पॉइंट एवरेज रहते हैं। तो ये जो चारों प्लेयर हैं, अनावेल सुदरलैंड, किम गार्थ, मेल्टन ब्राउन और एलिसा पेरी, ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, जिनको अपनी टीम में आप रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। अगर बॉलिंग की बात करें तो सासा मोलनी, जैसा मैंने आपको बताया कि सासा मोलनी एक अच्छी बॉलर है, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, लेकिन अगर बात करें वुमेन बिग बैश लीग 2021 की, तो उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। फिर आपको बॉलिंग सेक्शन में सोफी डे और सोफी इलिस्टोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। अगर मैं ड्रीम 11 के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करूं, तो अगर सेफ कैप्टनसी में जाना है, तो सेफ कैप्टनसी में आपको एलिसा पेरी और सदरलैंड, ये आपको सेफ कैप्टनसी प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर वाइस कैप्टन की बात करूं, तो सुजी बेट्स, एलिसा हेली और एलिसा कैप्सी के साथ आप जा सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप एसिन गार्डन को कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि अगर इनको मौका मिल गया बल्लेबाजी करने के लिए, तो अच्छे खासे रन करके देंगे और ये 4 ओवर भी पूरी की पूरी गेंदबाजी आपको करते हुए दिखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।